नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। अब भी रोजाना मामले 3.5 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या 3 लाख तक पहुंचने वाली है। क्या आम क्या खास, कोरोना ने सबको बेबस कर दिया है। कोरोना वायरस लगातार क्रिकेटरों और उनके परिवार वालों की जिंदगी भी ले रहा है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह के पिता का भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। इस बात की सूचना खुद आरपी सिंह ने ट्वीट करते हुए दी। उनके पिता शिव प्रसाद सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़े दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता शिव प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित मेरे पिता 12 मई को हम सबको छोड़कर चले गए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करें। ओम शांति ओम, रेस्ट इन पीस। बता दें, पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस की वजह से 3 क्रिकेटरों ने अपने पिता खोया है। 9 मई को भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर पीयूष चावला के पिता प्रमोद कुमार चावला का कोरोना वायरस से निधन हो गया। पीयूष चावला के पिता पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस सीजन खेलने वाले युवा तेज गेंदबाज चेतन सहकारिया के पिता का भी निधन कोविड-19 की वजह से हो गया था। उनके पिता हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, आरपी सिंह ने 2005 में वनडे और 2006 में टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने लगभग 6 साल तक भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। पिछले कुछ वक्त से वो बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट काम कर रहे थे। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 82 मैच खेले और 100 से अधिक विकेट चटकाए। आरपी सिंह को सबसे ज्यादा 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए याद किया जाता है। भारत को चैंपियन बनाने में आरपी सिंह का अहम योगदान रहा था। उन्होंने 7 मैचों में 12 विकेट चटकाए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।